हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डर्मीफोड क्रीम के बारे में। इसके यूज़ क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए। डर्मीफोड क्रीम कई दवाओं से मिलकर बना है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के त्वचा का संक्रमण के इलाज में किया जाता है। यह संक्रमण पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करके इन्फ्लेमेशन के लक्षणों जैसे रेडनेस, सूजन और खुजली को कम करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। डर्मीफोड क्रीम केवल बाहरी अंगों के लिए है और इसे डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दवा की पतली परत को साफ और सूखे हाथों से त्वचा के केवल प्रभावित क्षेत्रों पर लगाना चाहिए। दवा लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं। अगर यह आपकी आँख, नाक, मुंह या योनि में चला जाता है तो अब पानी से धो लें। लक्षणों में सुधार आने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है तो अपनी दवा को नियमित रूप से लेते रहें। दवा के बेहतर असर को सुनिश्चित करने के लिए इलाज का कोर्स पूरा किया जाना चाहिए। डर्मीफोड क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो आमतौर पर यह एक सुरक्षित दवा है। हालांकि इससे दवा लगाने के स्थान पर जलन, इरिटेशन, खुजली और लालपन जैसे समस्याएं आ सकती हैं। ये साइड इफ़ेक्ट आमतौर पर हल्के और आत्म सीमित होते हैं। गंभीर साइड इफ़ेक्ट बहुत कम मामलों में होते हैं। अगर आपको कोई एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे चकत्थे, खुजली, सूजन, सांस की कमी का अनुभव होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें। डर्मीफोड क्रीम के प्राइस के बारे में बात करें तो यह 15 ग्राम क्रीम आपको 90 रुपये में आपको आसानी से मार्केट में मिलेगा। इस क्रीम को लीफोड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बनाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।